आपका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टरटा में। दोस्तों निवेश करने के आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, जैसे कि अगर आप बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते तो बैंक FD में या फिर LIC में पैसे को निवेश कर देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे पर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं वो बॉन्ड्स में पैसे को निवेश करते हैं, या फिर अग्रेसिव कुछ ट्रेडर भी होते हैं जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट की तरफ रुख करते हैं। लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से अगर हम टोटल बात करें तो दोस्तों जितने भी रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करते हैं उसमें से सिर्फ 1% ही टिक पाते हैं, बाकी के 99% लॉस लेकर स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टर भी होते हैं जो थोड़े थोड़े पैसे या फिर लमसम थोड़े पैसे इनडायरेक्ट तरीके से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके एक बड़ा फंड बना लेते हैं। अगर आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और आप ज़्यादा नहीं लाख दो लाख की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक बार सिर्फ 27,650 रुपये का निवेश करते हैं तो आप जानते हैं एक म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर इससे आप 3,59,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस पैसे को इन्फ्लेशन रेट से भी कंपेयर करेंगे तब भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो रिटर्न है ये काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा, और 27,650 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, इस पर आप रिस्क भी ले सकते हैं। रिस्क है स्टॉक मार्केट का, लेकिन जब निवेश करने की बात आती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो आपको बहुत सारे तरह के फंड मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कम पैसे से एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और पैसे को निवेश करके भूलना चाहते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद एक अच्छा फंड बनाना चाहते हैं, तो हमेशा आप ऐसे फंडों का चुनाव करें जिनके अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छी आपको मिल सकती है और जिन्होंने पहले भी अच्छी ग्रोथ आपको दी है। दोस्तों अगर हम पिछले एक साल की भी बात कर लें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ स्मॉल कैप सेक्टर और मिड कैप सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स को में मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि निफ्टी इंडेक्स फंड की बात कर लें हम, BSE सेंसेक्स की बात कर लें या फिर बैंक निफ्टी की, तो उनसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर मिली है, क्योंकि यहाँ पर 40% से ज़्यादा 2023 के अंदर रिटर्न मिला है। जबकि ओवरऑल अगर हम बात कर लें तब भी यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिला है। हम डायरेक्ट कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट मिड कैप सेक्टर इंडेक्स के अंदर ही म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसे को निवेश करते हैं तो आप कम पैसे निवेश करके भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। हम भी आपके लिए एक ऐसा ही इंडेक्स फंड लेकर आए हैं जो है HDFC निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यानी कि इस म्यूचुअल फंड प्लान का जो पैसा है वो मिड कैप 150 स्टॉक जो है मिड कैप सेक्टर के इंडेक्स के अंदर उनके अंदर ही पैसे को निवेश किया गया है। जबकि ये फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है 36% का, और ये दोस्तों कंपाउंड रिटर्न है। जबकि अगर पिछले सिर्फ 6 महीने की भी बात कर लें तो 26% से ज़्यादा रिटर्न है, और 1 महीने में करीब 9.5% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड प्लान ने आपको दिया है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर 36% रिटर्न नहीं मिलता है और आने वाले टाइम में यहाँ से सिर्फ 27% का रिटर्न मिल जाता है और आप निवेश करते हैं 27,650 रुपये सिर्फ 5 साल के लिए, तो इसमें आपको 63,701 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। कैलकुलेशन आपको देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका जो पैसा है वो कैसे बढ़ता है। 27,650 रुपये की वैल्यू 5 साल में बढ़कर 91,351 रुपये तक हो जाएगी। लेकिन अगर 10 साल की बात करें तो यहाँ से कंपाउंड रिटर्न में अब आपको 3 लाख रुपये तक फंड मिल जाएगा और 2,74,000 रुपये का इसमें रिटर्न होगा। जबकि अगर 15 साल की बात की जाए तो इसमें अब आपको 9,97,128 रुपये का फंड मिलेगा और 9,69,000 रुपये का इसमें रिटर्न होगा। जबकि 20 साल के टाइम पीरियड में 32,94,000 रुपये की फाइनल वैल्यू होगी और रिटर्न इसमें 32,66,000 रुपये का होगा। लेकिन दोस्तों 25 साल के टाइम पीरियड में अब 27,650 रुपये की वैल्यू बढ़कर 1,08,00,000 रुपये हो जाएगी और रिटर्न भी इसमें 1,08,56,000 रुपये का होगा। लेकिन 30 साल के टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि 27,650 रुपये की वैल्यू बढ़कर 3,59,58,930 रुपये की हो जाएगी। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर कम पैसे निवेश करते हैं बेहतरीन फंडों में या फिर इंडेक्स फंड के अंदर, तो यहाँ से आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस फंड की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 150 स्टॉक हैं मिड कैप सेक्टर के जो इंडेक्स के अंदर लिस्ट हैं, उन्हीं में पैसे को निवेश किया गया है अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। इसमें मैक्स हेल्थ केयर, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, द इंडियन होटल, द फेडरल बैंक, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर सारे स्टॉकों में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से पैसे को निवेश किया गया है। और आप जानते हैं ये मिड कैप सेक्टर के ऐसे बेहतरीन स्टॉक हैं जिनके अंदर ग्रोथ आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगी और इसका फायदा आपके पैसे पर डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि सेक्टर वाइज भी पैसे को अच्छे से डिवर्सीफाई किया गया है। जबकि NAV का प्राइस अभी 13 रुपये है, 54 करोड़ रुपये का AUM है इस फंड का,
जबकि मिनिमम आप 5,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से अगर हम फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये भी काफ़ी कम है 0.30 का, जबकि यहाँ पर टैक्स होगा 10% का LTCG एक साल के बाद अगर आपको प्रॉफिट होता है 1,00,000 से ज़्यादा तब। फंड को मैनेज करें अरुण अग्रवाल और निर्मल, जबकि अगर हम HDFC AMC की बात करें तो दोस्तों सेकंड नंबर पर रैंक आती है एसेट के हिसाब से और 5.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का UM है HDFC AMC का। फंड हाउस काफ़ी पुराना है। अगर हम ओवरऑल AMC की बात कर लें म्यूचुअल फंड्स के लिए तो यहाँ पर HDFC का तो नाम सेकंड नंबर पर आता है और दोस्तों HDFC के साथ भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश किया है। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर ओवरऑल अगर बात की जाए तो आप कम पैसे निवेश करके अपने किसी टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो कम से कम पैसे निवेश करके भी आप उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंडों के अंदर परेशानी आपके रिस्क की होती है क्योंकि आप जो पैसा निवेश करते हैं उस पर स्टॉक मार्केट का रिस्क होता है। लेकिन अगर आप कम पैसे निवेश करके एक लंबे टाइम तक निवेश करके छोड़ देते हैं तो इसी से आप एक बड़ा फंड भी आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।